हेलो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 21B। हियर इज द क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीस ऑफ 25 हाउसेस ऑफ अ सर्टेन लोकेलिटी फॉर अ मंथ आर गिवन। एक पर्टिकुलर एक लोकेलिटी में 25 हाउसेस हैं, उसका एक मंथ में क्या आया, ये रुपीस के फॉर्म में बिल है। क्लियर? यहाँ पे आपको जो डाटा दिया हुआ है ये रुपीज में दिया हुआ है, ठीक है। एक कॉलोनी है, एक लोकेलिटी है जहाँ पर 25 हाउसेस हैं, उन हाउसेस में एक मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। सो इसमें दिया है, अरेंज द अबाउट डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी टेबल यूजिंग इक्वल इंटरवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 300 टू 400, वेयर 400 इज नॉट इंक्लूडेड। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो क्लास इंटरवल आप लेंगे वो कितना लेना है, 300 टू 400 लेना है, और जिसमें 400 में इंक्लूड नहीं करना है। इट मीन्स देखते हैं इसको, सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितना है, यहाँ पर 25 है, ठीक है। मैक्सिमम बिल कितना है, लोकेलिटी देखते मैक्सिमम बिल कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम बिल हम चेक करके फाइंड करते हैं, 700 यहाँ पर भी है इसका, ठीक है, 736, 780, देन 685, 754, 776, 745, 760. It means 780 जो है आपका highest bill है, है ना? Maximum इतना bill आया है। Then minimum bill कितना है? Minimum मतलब सबसे कम जो bill आया है, वो कितना है? वो देखते हैं। Minimum देखते हैं 324, इससे छोटा यदि कोई number मिलता है तो 324, 312, 312, then यहाँ पर कितना है? 312 जो होगा आपका मिनिमम बिल आया है, ठीक है। देन अब क्या करेंगे आप, अब आपको एक क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उन्होंने बोला इंटरवल्स का, क्लास इंटरवल्स आप कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बिल्स, नंबर ऑफ बिल्स, ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। देन यहाँ टाइम मार्क्स, then last होगा frequency, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो number of bills है यहाँ पर हम intervals find करेंगे। इन्होंने बोले starting from 300 to 400, ठीक है, यहाँ से आपको start करना है, class interval बनाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 300 to 400, ठीक है, then 400 to 500, then 500 to 600, 600 to 700, then 700 to 800, clear? अब देखिए यहाँ पे starting में हमने बोला है 300 to 400 आपको class interval लेना है, ठीक है, जो कि हमने लिया है। अब यहाँ पर उन्होंने एक लाइन और कहा है कि 400 is not included, it means ये जो interval है 300 to 400 इसमें 400 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब मान के चलिए आपका कोई बिल आया 400 रुपीस का, तो इस इंटरवल में ना आते हुए इस इंटरवल में आया, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम बिल हम शो करेंगे वो कितना करेंगे, 300 रुपीस टू 399 रुपीस पर, क्लियर। देन 400 बिल होगा तो ये हम यहाँ पर अरेंज करेंगे 400 से तो 499 तक, क्लियर, ऐसे आपको अरेंज करना है। देन टैली मार्क्स को आप देखते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इंटरवल है ऑब्जर्वेशन है, इसको देखते हैं कितना है, 324, 324 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। देन 700, 700 मतलब ये काम, देन 617, 617 का है, 617, देन 400, 400 एग्जैक्टली यही आएगा, देन 356 का आएगा, यहाँ आएगा, 365 का आएगा, ये भी यही आएगा, 435 का आएगा, यहाँ आएगा, देन
506 कहां रहेगा, 506 ये 506 यहां आएगा, देन 548 ये भी यहीं आएगा, देन 736 ये यहां रहेगा, देन 780 ये मैक्सिमम वैल्यू अपना 780, देन 378 कहां रहेगा, यहां रहेगा, देन 570 कहां रहेगा, 570 ये रहेगा, देन 685 कहां रहेगा, यहां रहेगा, देन 312 इसी यहां रहेगा, 1 2 3 4 हो चुका है ये 5, देन 630 कहां है, यहां पर, देन 584 कहां है, यहां पर आएगा, देन 674 कहां है, 674 यहां आएगा, देन 754 ये 754, देन 776 तो ये हो गया 776, देन 596 कहां आएगा, ये 596, देन 745 मतलब ये यहां होगा, 565 कहां रहेगा, यहां रहेगा, देन 763 ये 763, देन लास्ट में है हमारा 472 कहां रहेगा, ये यहां रहेगा, ठीक। अब ये जो हमारा टैली मार्क्स है, ठीक है, इसको हम यहां पर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कितना है यहां पे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 5 + 2 7 7, क्लियर। अब इसका जब हम सम करेंगे कितना होगा, 5 + 3 8 8 + 6 14 14 + 4 18 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25, क्लियर। यहां पर हमने क्या किया है देखते हैं, ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स जो रहेंगे दोनों सेम रहेंगे, मतलब यहां पर जो इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, जो ये शो करेगा कि यहां पर टोटल नंबर जो हाउसेस हमने काउंट किए थे 25 थे ये यहां। फिर अब हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से बता सकते हैं कि किस इंटरवल के बीच में कितने बिल्स आए हैं, जैसे मैं बोलूंगा 300 से 400 रुपीस तक के बीच में कितने बिल्स आए हैं, हम बोलेंगे 5 बिल्स आए, 400 to 500 कितने हैं, 3 बिल्स आए, ऐसे, क्लियर। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करें।